हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग एजुकेशन बाय प्रधान जी। सो गाइस, आज का हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। जी हाँ, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो आपके पेपर है वो तीन है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। तीनों का मैं नेम बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दो नेम बताऊंगा और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि ये पेपर में कितने कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो पेपर आपका फर्स्ट है वो है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में कहा जाए अकार्बनिक रसायन। ठीक है, पेपर सेकेंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और जो पेपर थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। जो पेपर फर्स्ट होता है वो एग्जाम में 33 नंबर का आता है, पेपर जो सेकेंड है वो एग्जाम में वो भी 33 नंबर का आता है। ठीक है, और जो पेपर थर्ड है मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है भौतिक रसायन, वो एग्जाम में 34 नंबर की आती है। ठीक है, सो गाइस, आज हम जिस पेपर के बारे में अध्ययन करवाए, आज जिस पेपर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आपका पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो आज इसको मैं बताऊंगा पूरा बेसिक डिटेल से, बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल तक मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, इसमें से आपकी कितनी यूनिट है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपकी पांच यूनिट ली गई, कितनी भाई, पांच यूनिट ली गई। पहले यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन मीन्स होता अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, यूनिट सेकंड एल्कोहल, फिनाल, ईथर, इपॉक्साइड, इनको हिंदी में बोलेंगे एल्कोहल, फिनाल, ईथर, इपॉक्साइड। यूनिट नंबर थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड, यूनिट नंबर थर्ड जो है आपके कार्बोनिल कंपाउंड या नेम रिएक्शन भी इसमें पढ़ेंगे, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन उनसे बने यौगिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और नेम रिएक्शन जितने भी वैज्ञानिकों के नाम पर जो भी अभिक्रियाएं हैं जैसे डायमंड डीमंड अभिक्रिया, हाफ माइंड बोमो अभिक्रिया, ठीक है, उन सभी रिएक्शनों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक, यूनिट नंबर फोर है आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, इट्स डेरिवेटिव, मतलब कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच वाले, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच वाले यौगिक इसमें पढ़ेंगे हम, और इट्स डेरिवेटिव इससे जो व्युत्पन्न मतलब इससे जो चीज उत्पन्न होगी उसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर फाइव जो है आपकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज जो हम लेकर चलेंगे वो यूनिट नंबर सेकेंड लेकर चलेंगे। इसका रीजन भी है कि अगर हम यूनिट नंबर सेकेंड आपको पढ़ाएंगे तो यूनिट नंबर सेकेंड कन्वर्ट है कहा यूनिट थर्ड में, और यूनिट नंबर थर्ड कन्वर्ट है यूनिट नंबर फोर्थ में। अगर इस जो विद्यार्थी जो मित्रगण इसको कायदे से पढ़ लेगा मतलब यूनिट नंबर सेकेंड को, उसको ये तीन यूनिट तो कंप्लीट ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बाद में हम इन दोनों यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सो गाइस, चल रहे हैं यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड एल्कोहल, फिनाल, ईथर, इपॉक्साइड। ठीक है, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, इपॉक्साइड, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, पर इसके पहले हम थोड़ा आपको बेसिक डिटेल देंगे, क्योंकि इसमें जो भी अभिक्रियाएं हो वो पहले अभिक्रियाओं को आपको जानना है, जैसे मार्कोनी का आपका नियम, खैरास प्रभाव, ठीक है, विदलन, ठीक है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। ठीक है, तो पहले हम आपको इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और उसको अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम एल्कोहल इस टॉपिक पर ना जा करके
इसका जो बेस है उस पर हम जा रहे हैं ताकि आपको और ठीक से समझ जाए जो इसकी मैकेनिज्म होती है, इसमें मैकेनिज्म चल रही है क्रियाविधि, तो उनको समझने के लिए आप लोगों को पहले मार्कोनी का नियम, खैरास प्रभाव, विदलन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने अभिकर्मक, नाभिक किसने एक प्रतितापनक क्रिया, प्रेरणिक प्रभाव आदि जैसे क्रियाओं के बारे में, आदि जैसे हेडिंग के बारे में आपको बेहद आना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम वो बहुत बिल्कुल राइट समझ में आए, ठीक है, बिल्कुल जीरो टू हीरो। तो चलिए दोस्तों, हम ले रहे हैं आपका टॉपिक एकदम बेसिक से। सो माय फ्रेंड्स, देखिए बेसिक से, ठीक है, आप सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, ठीक है, उसमें जो हमें अब हेडिंग बाई हेडिंग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब परिभाषा के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पहली हेडिंग बनाए हुए हैं विदलन या बल्ब विखंडन, ठीक है, विदलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज और बल्ब विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, आप चाहे जो कह सकते हैं, ठीक है। तो विदलन या बल्ब विखंडन की डेफिनेशन क्या है वो बताओ, वो बता रहा हूं मैं, तो देखिएगा विघटन या बंद विघटन, इसकी डेफिनेशन, कार्बनिक यौगिकों में बने सह संयोजक बंधों, कार्बनिक यौगिकों में बने सह संयोजक बंधों के टूटने की प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। मतलब कि जो आपका कार्बनिक यौगिक होगा उसमें जो आपका सह संयोजक बंध होगा तो उस बंध के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे भाई, विदलन कहेंगे या बंध विखंडन या बॉन्ड फिजर हम कहेंगे। फिर सह संयोजक बंध क्या होते हैं, जैसे सह संयोजक बंध होता है आपका एकल बंध, एकल बंध या सिग्मा बंध, ठीक, सिग्मा बंध, ठीक, ओके। अब तो वन लाइनर एक बार, कार्बनिक यौगिकों में बने सह संयोजक बंधों के टूटने की प्रक्रिया को विदलन कहते हैं। विदलन दो प्रकार का होता है, ठीक, पहला समविदलन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, दूसरा विषम विदलन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, पहला क्या है समविदलन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा क्या है आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक। अब दोनों की परिभाषा अब आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम समविदलन और विषम विदलन दोनों की डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। तो समविदलन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, व्हाट इज होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, समविदलन क्या है, ठीक है, देखिएगा, जब किसी कार्बनिक यौगिक के सह संयोजक बंध में विदलन इस प्रकार से होगी, मतलब कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के सह संयोजक बंध में विदलन इस प्रकार से होगी, साझे का इलेक्ट्रॉन, जो आपका साझे का इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी खंडों में बराबर बराबर बढ़ जाए, मतलब बराबर की हिस्सेदारी रहे, ठीक है, उसको हम समविदलन इंग्लिश में अगर बोले तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझिएगा, ए और बी कोई आपके दो तत्व तो है, ठीक है, देखिए ये जो इस पर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस भाई पर चल गया और एक इलेक्ट्रॉन इस भाई पर चल गया, मतलब दोनों बराबर बराबर क्या हो गए पहुंच गए, कब पहुंचे, जब इन पर कौन सा हुआ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, जब इस पर समविदलन कराएंगे, ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ए पर आ गया और दूसरा बी पर आ गया, अब इन्हीं को दोनों को बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, ठीक, मुक्त मूलक मतलब कि ए बी, ए है और बी है, जब इन पर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ तो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चल गया और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चल गया, ठीक है, और ये जो ऊपर आर गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनको हम मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बोलते हैं। अभी तक अगर दोस्तों
मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक, तो अब विषम विदलन हेट्रोलिथिक वर्ड फीचर। जब किसी कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजक बंध में विदलन इस प्रकार से हो कि साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही खंड के पास चला जाए, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही खंड के पास चला जाए तो इसे विषम विदलन कहते हैं। ठीक, ए और बी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट चाहे ए पर चला जाए चाहे बी पर, हमने देखिए बी पर पूरा भेज दिया और कौन सा विदलन हुआ, विषम विदलन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ। तो ए प्लस प्लस बी माइनस, मतलब प्लस माइनस क्या है भाई, किसी तत्व के ऊपर प्लस माइनस लग जाए तो उनको बोलते हैं आयन, मतलब ये प्लस लगा तो उसको धनायन और ये माइनस लगा तो उसको ऋणायन। ठीक, आपको इतना समझ में आया कि ए और बी अगर ए पर भेज देते तो ए भाई आपका निगेटिव हो जाता और बी आपका क्या हो जाता पॉजिटिव, और दोनों को सामूहिक क्या करेंगे हम, आयन ही करेंगे। ठीक है, आए समझ में, आयन ही करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नोट, नोट नंबर पहला, नोट नंबर दूसरा। ठीक, तो नोट नंबर पहला क्या है आपका कि जो आपने संविदरण किया तो इसमें देखिए क्या बन रहा है, नोट नमूना प्रीरेट कर, जो आपने विषम विदरण कराया तो उस पर आपको आयन बना, आयन बना उसी पर नोट हमने बनाया कि ठीक है, एक तरह की नोट कि इससे थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो संविदरण के फलस्वरूप मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनते हैं। या देख रहे हैं ये जो किसी एलिमेंट के ऊपर ये तत्व माना हमने तो एलिमेंट है माने ए और बी। ठीक है, इनके ऊपर जो अगर ये बुंदी टाइप में आ जाए तो ये समझ लीजिए फ्री रेडिकल और प्लस माइनस आ जाए तो ये आपका आयन है। बस आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल है ये ना समझिएगा, बिल्कुल बीएससी सेकंड ईयर है, ये आपका बिल्कुल बेसिक से है चल रहा है। अगर आप इन चीजों को ठीक से समझ देंगे ना तो आपको जब मैं एल्कोहल फिनाल और ईथर की मैकेनिज्म समझाऊंगा वहां बिल्कुल बेसिक डिटेल दूंगा तो आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट एवं परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों क्या बता रहे थे कि संविदलन के फलस्वरूप मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनते हैं, और दूसरा नोट क्या है, विषम विदलन के फलस्वरूप आयन कोष्टक में धनायन तथा ऋणायन, ये देखिए आयन बना और धनायन भी बना है ऋणायन भी बना, तो आयन धनायन तथा ऋणायन बनते हैं। ठीक, संविदलन के फलस्वरूप क्या मिलते हैं, मुक्त मूलक। तो अब मुक्त मूलक की थोड़ा परिभाषा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फ्री रेडिकल क्या है समझेंगे बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से, एकदम टेंशन ना लीजिएगा, आराम से समझिएगा बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, क्या परिभाषा, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, वह परमाणु मतलब एटम, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह, ग्रुप ऑफ एटम्स, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें कम से कम, मतलब कम से कम मिनिमम कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है उसे मुक्त मूलक कहते हैं या मुक्त मूलक कहलाते हैं। ठीक, मुक्त मूलक की विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसकी विशेषता है, तो ज्यादा नहीं तीन ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझता है। ठीक है, ताकि आपको जब मैं मैकेनिक्स समझाऊं तो वहां पर आपको ये ना लगे कि अरे यार ये मार्कोनी का नियम बताए तो पता नहीं कहां पढ़े, ये नहीं कुछ, और आपको यहां आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट बता दो। ठीक है, ये सब 12th क्लास पर बेस है। ठीक है, यहां इस तरह तो, और आपको जितना मैं जो भी आपके टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो भी आपके सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा उसको मैं एकदम बार बार मैं कह रहा हूँ कि जीरो टू हीरो लेवल ही लेकर जाऊंगा। ठीक है, भले ही जाए थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लग जाए पर इससे नहीं। ठीक है, मतलब आपको जितना मैं समझाऊंगा उतना आपको बेसिक टू नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो रहेगा और जीरो टू हीरो लेवल, और बार बार कह रहा हूँ अभी भी अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब न किया हो तो आप वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग एजुकेशन
बाई प्रधान जी, वहां पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो को अच्छा लगे, अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। तो देखिए मुक्त मूलक की विशेषता, पहला नंबर ये अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। दूसरा ये अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। और तीसरा ये अभिक्रियाशील होते हैं। तो फिर हाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और हम आपको अब अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरा ही इसी तरह की हेडिंग लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।